चेक कर लैने कि साढ़े चावल किदा बने ने। देखो ओह माय गॉड किन्ने सोने दाना दाना ये चावल बने ने। फ्रेंड्स असी अज तुहानू सिखावांगे दिखावांगे, सिक्के तो सारे होए ने, सारे आपो अपने घरां दे विच फर्स्ट क्लास खाना बनाउंदे ने। थोड़ा जिहा ट्विस्ट हुंदी है कि तुसीं किद्दां बना रहे हो, मैं किद्दां बना रही हाँ, कोई टिप भी मिल जांदा है भी इहदे नाल आह चीज़ जिहड़ी है चंगी बन जांदी है। एक गिलास मैं चौलां दा लिया ते उहदे विच मैं अज जीरे ते प्याज वाले चावल बनावांगी, पर उहदे विच तुहानूं एक मैं बहुत अच्छा टिप दसन वाली हाँ। एक की जिहड़ा है मैं की पाया देसी, ते इहदे विच मैं जीरा पा दित्ता है एक चम्मच जीरा पाया है, और ये जीरे नू थोड़ी देर मैं पक्कन देना है। पक्कन मीन्स काला नहीं करना। कईयां लोकां दे कईयां होटलां दे विच जीरे दा रंग काला हुंदा है, काले जीरे दा बिल्कुल अच्छा टेस्ट नहीं आंदा। पिंक और ब्राउन जिहड़ा चीज़ है उहदे नाल ही वधिया टेस्ट पाउंदा। अच्छा ये हुण असीं जीरा जिहड़ा है ये ब्राउन हो रहा है, एक अद्धे सकिंट तक होर हो जाएगा, ते मैं कट्टे हुए ने चार प्याज। ये प्याज़ां वाले चावल बनाने ने, इस करके प्याज इहदे विच बहुत अच्छे वाले कट के पाउणे ने। अच्छा सैकेंड देखो इहनां नूं आपां मशहूर है ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੌਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪਿਆਜ਼ ਕੱਟ ਲਏ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਚਿਕਨ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਲੰਬੇ ਪਿਆਜ਼ ਅਸੀਂ ਕੱਟਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਕਰੇਲੇ ਬਣਾਉਣੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਚੌਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪਿਆਜ਼ ਕੱਟ ਲਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਰਾਊਨ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਕਿਲੇ ਕਿਲੇ ਖਾਵਾਂ। फ्रेंड्स ये देखो पिंक हो रहे ना, तो हूँ अगले टिप तुहानू मैं दस दिया कि इस तरह करके एक जगह बनाओ विच घी का, खैर काफ़ी है एक कड़छी असी घी पाया, एक ही गिलास चौल सन, तो ये इत्थे करके ना असी नमक पाना है। ठीक है जी, ये मैं पाता नमक तेज़ ही रहन देना, ये कोई टिप नहीं है, नमक तो सारिया ने पाना सीगा। टिप है कि हुण इस नमक दे नाल मैं एक चम्मच पावांगी चीनी, जिथे नमक पाया सी उत्थे, और इस नूं असी हिलावांगे नहीं, बल्क ये जिहड़े सारे हैगे ने ना प्याज इहनूं उहदे उपर कर देंगे, ते उह जिहड़ा असी चीनी पाई है उहने हो जाणा है थले ब्राउन। ठीक है, असी बहुत ज़्यादा वाले बनाने हो ना ब्राउन वाले, तो चीनी नूं असी बहुत काली करके भी ब्राउन करके भी पाने, लेकिन असी इन्ने नहीं बनाने, प्याज़ां दा टेस्ट आना चाहिए, इस करके प्याज़ जिहड़े ने मैं ब्राउन नहीं कर रही, कोई असी ग्रेवी नहीं बनानी, असी तां चावल बना रहे हाँ जीरे ते प्याज़ां वाले। टिप्पे दे विच मैं तुहानूं दस ते दो, ये थोड़ी देर हो जाएगा मेरी फ्लेम जिहड़ी है फुल है, ते मैं इहदे विच पावांगी चावल। साडा ये जिहड़ा प्रोसीजर सी चावलों नूं भुन्नण दा वह पूरा हो गया, असी इहदे विच हुण ये पानी ते चावल इकट्ठे पा देंगे। देखो पुराने जमाने दे विच हुंदा सी वी चावल जिहड़े ने वह बाद विच पाए जांदे सी, पहले पानी नूं उबाल लिया जांदा सी। हुण अजकल बहुत अच्छी क्वालिटी का सब कुछ आ गया होया वे, कोई इहो जी गल नहीं है। तुहानूं मैं चावल बनाने का ये तरीका मैं अपनी नूह कोलों सिखिया, रिंकल जिसका नाम है, तो वह ये वे भाई एक भी दाणा जुड़दा नहीं ये चावलों का, तुसी इहनूं जे इस प्रोसीजर नाल बनाओगे। की है वह प्रोसीजर? वह प्रोसीजर ये वे ਬਈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਫੁੱਲ ਆਂਚ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਉਬਾਲਾ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ, ਇੱਕ ਢੱਕਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦੇ ਦਾਂਗੀ ਲਿਡ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੋਇਲ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿਮ 'ਤੇ ਕਰ ਦਿਆਂਗੀ, ਔਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ
विदइन 5 to 7 मिनट्स अकॉर्डिंग टू योर फ्लेम ये पक जाएंगे तो इन्हों बिल्कुल विचों कड़छी मारन की तो लोड़ नहीं है। तुहानू दिखावांगे किवें बनते ने ये चावल खिले खिले दाना दाना। लो जी चैक कर लैने कि साडे चावल किदा बने ने। देखो फ्रेंड्स असी 7 मिनट वास्ते इन्हों बिल्कुल नहीं हिलाया, उवें दे उवें जिवें कढ़ाई च पाए सी उवें ने। देखो ओ माई गॉड किन्ने सोहने दाना दाना ये चावल बने ने और इन्हों तो सर्व करन दा ही बड़ा मज़ा आ जाएगा, खान दा तो उस तो भी ज़्यादा आएगा। ठीक है ते ये हुण असी कर दिते ने मिक्स ते गैस कर दिने ऑफ ते पाने असी अपनी राइस प्लेट दे विच। बाय गॉड खान वालिया नूं भी बहुत मज़ा आने वाला है, उस तो ज़्यादा मज़ा आता है पकान वाले जो चीज़ बहुत टेंप्टिंग ते मज़ेदार शानदार बने ना तो फिर मज़ा ही दूसरा हो जाता है। लो जी हुण तैयार हो गए ने बन के चौल, ते रेसिपी नूं देखो बनाओ ते खाओ ते खवाओ अपने बच्चों घरद्या। तो वीडियो वेखन वास्ते शुक्रिया, नहीं सबसक्राइब किया हो जरूर करो, किया हो बहुत शुक्रिया।